आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मानहानि केस में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से माफी मांग ली है। इसके बाद सोमवार को दोनों नेताओं ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि केस बंद करने के लिए अर्जी लगाई। स्वयं केजरीवाल ने अपने माफीनामे में गडकरी पर लगाए आरोपों को आधारहीन बताया। कुछ दिन पहले केजरीवाल ने पंजाब के पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया से भी माफी मांगी थी, जिसे लेकर केजरीवाल को अपनी ही पार्टी के विधायकों और नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ा था। नितिन गडकरी को लिखे लेटर में केजरीवाल ने कहा कि मेरी ओर से तथ्यों की जांच किए बिना आपके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। मैं निजी तौर पर आपका विरोधी नहीं हूँ। आरोपों को लेकर मुझे खेद है। मैं चाहता हूँ कि मेरे खिलाफ चल रहा मानहानि का केस वापस ले लिया जाए। गौरतलब है कि केजरीवाल 19 जनवरी को केंद्रीय मंत्री गडकरी से मिले थे। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि दोनों के बीच चल रही कानूनी लड़ाई में समझौता हो सकता है। इसी दिन उन्होंने वित्त मंत्री अरुण जेटली से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ भी भ्रष्टाचार में शामिल होने के आरोप लगाए थे। आपका आरोप था कि जेटली ने 13 साल तक दिल्ली के क्रिकेट बोर्ड DDCA प्रेसिडेंट रहते हुए घोटाला किया था। कई दिनों तक आप नेताओं ने जेटली के खिलाफ सोशल मीडिया में कैंपेन चलाया। इसके बाद वित्त मंत्री ने केजरीवाल समेत आपके 5 नेताओं पर सिविल और आपराधिक मानहानि के अलग अलग 2 केस फाइल किए और 10-10 करोड़ के मुआवजे की मांग की। हाईकोर्ट में केजरीवाल की पैरवी कर रहे सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी केस छोड़ चुके हैं। उन्होंने भी केजरी को सलाह दी थी कि वो अरुण जेटली से माफी मांगे। यह पहला मौका नहीं है जब केजरीवाल ने आरोपों को लेकर किसी नेता से माफी मांगी हो। पिछले दिनों अकाली नेता विक्रम मजीठिया से भी केजरीवाल ने ड्रग कारोबार के आरोपों को लेकर माफी मांगी थी। इससे पहले अगस्त 2017 में भी उन्होंने हरियाणा के बीजेपी नेता अवतार सिंह भड़ाना को माफीनामा भेजा था। 2014 की एक रैली में केजरीवाल ने भड़ाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद उन्होंने आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस फाइल कर दिया था। अब एक बार फिर केजरीवाल ने गडकरी से माफी मांगकर अपने खिलाफ चल रहा एक और मानहानि का केस खत्म करवा दिया है।